Now we'll take some special problems. Having learnt all the basic concepts, अब हम कुछ special questions try करेंगे. Now if we are given that fx is equal to kx cube minus 9x square plus 9x plus 3 is monotonically increasing. Is monotonically increasing in each interval. अब इसका क्या मतलब है कि k की क्या वैल्यूज हो जिससे ये फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीज हो, मतलब इंक्रीज करता चला जाए इन ईच इंटरवल, मतलब थ्रू आउट आर, मतलब फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x. ईच इंटरवल का क्या मतलब हो गया, दैट x बिलोंग्स टू r, x की कोई भी वैल्यू दे ये फंक्शन इंक्रीज ही होगा. तो उसके लिए तो पहले हम डिफरेंशिएट करें मोनोटोनिसिटी चेक करने के लिए. तो f'x क्या होगा, 3k x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 9. अब ये मोनोटोनिकली इंक्रीज हो रहा है यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड इक्वल टू 0 कहां होगा, एट डिस्क्रीट पॉइंट्स. तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, या तो हम इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में ग्रेटर देन इक्वल ग्रेटर देन 0 लिखें, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होते हुए भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कैसे हो सकता है कि ज्यादातर पॉइंट्स पे ये ग्रेटर देन 0 रहे f'x, बट कुछ डिस्क्रीट पॉइंट्स पे f'x 0 हो जाए. कंटिन्यूअस इंटरवल में f'x 0 नहीं होना चाहिए अगर उसे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना है, पर यहां उसने मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग बोला है. ठीक है, तो अब ये चीज जीरो हो, ये चीज पॉजिटिव होनी चाहिए फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स. इसका मतलब ये हुआ कि एक्स की कोई भी वैल्यू हो f'x हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए, तभी ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा. अब ये हमारे लिए क्या है, ये तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आउटपुट हमेशा पॉजिटिव रहे फॉर ऑल रियल एक्स, उसके लिए क्या कंडीशन होती है कि कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी पॉजिटिव एंड बी स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी नेगेटिव. तो कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, 3k, दिस शुड बी पॉजिटिव, और बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, a 3k है, b माइनस 18 है और c 9 है. तो बी स्क्वायर हो गया 324 माइनस 4 इंटू ए हो गया 3k और c हो गया 9 एंड दिस शुड बी लेस देन 0. तो 4 हम कॉमन ले सकते हैं, तो दिस गिव्स अस 81 माइनस 27k इज लेस देन 0. वी कैन ऑल्सो टेक 27 आउट, तो 108 टाइम्स 3 माइनस k इज लेस देन 0. टेकिंग माइनस आउट, k माइनस 3 इज लेस देन 0, माइनस साइन दूसरी साइड गया, तो k माइनस 3 वुड बी ग्रेटर देन 0, विच इंप्लाइज k शुड बी ग्रेटर देन 3. और यहां से हमको क्या मिला, k शुड बी ग्रेटर देन 0. कंबाइनिंग बोथ द कंडीशंस, ये 0 हो गया, ये 3 हो गया. फर्स्ट कंडीशन सेज कि k की वैल्यू 0 से बड़ी हो, सेकंड कह रहा है k की वैल्यू लेस देन 3 ग्रेटर देन 3 हो. तो कॉमन रीजन हमारा क्या आया, k इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3. इक्वल टू 3 में क्या होगा कि ये 0 भी हो सकता है, वी कैन यूज दिस एज 0 या इमेजिनरी. ये क्या हो जाएगा, k शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3. देयरफॉर द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज k शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3. नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ द फंक्शन fx इज इक्वल टू k sin x प्लस 2 cos x अपॉन sin x प्लस cos x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर ऑल x, मतलब ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहता है फॉर ऑल x, तो k की क्या वैल्यू होगी. तो ठीक है, इसको पहले डिफरेंशिएट कर दें. f'x स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए क्या कंडीशन होती है, f'x शुड बी ग्रेटर देन 0 या f'x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट f'x इज 0 एट डिस्क्रीट पॉइंट्स. डिस्क्रीट पॉइंट्स कंटिन्यूस इंटरवल में f'x 0 नहीं होना चाहिए. नाउ डिफरेंशिएट जब तक करेंगे तो क्या होगा, f'x वुड बी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, डिनोमिनेटर बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर क्या होगा, के इंटू कॉस एक्स माइनस टू साइन एक्स माइनस के साइन एक्स प्लस टू कॉस एक्स, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर क्या होगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स होल डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर. इफ वी मल्टीप्लाई दिस तो क्या होगा, के साइन एक्स
cos x माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस के cos स्क्वायर एक्स माइनस टू साइन एक्स cos x. देन वील हैव माइनस ऑफ k साइन x cos x प्लस k साइन स्क्वायर एक्स. देन वील हैव माइनस टू cos स्क्वायर एक्स एंड प्लस टू साइन x cos x होल डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर. तो न्यूमरेटर में देखिए माइनस टू साइन एक्स कॉस एक्स और प्लस टू साइन एक्स कॉस एक्स कैंसिल आउट हो गया. के साइन एक्स कॉस एक्स एंड के साइन एक्स कॉस एक्स कैंसिल हो गया. नाउ वी आर लेफ्ट विद, चेक करिए कॉस स्क्वायर एक्स एंड कॉस स्क्वायर एक्स यानी के माइनस टू कॉस स्क्वायर एक्स एंड वील हैव के माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स होल डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर. नाउ दिस कैन फर्दर बी रिटन एज के माइनस टू इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होल डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर. तो ये तो वन हो गया. तो वी आर लेफ्ट विद जस्ट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू के माइनस टू अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर. Now, sin x plus cos x का होल स्क्वायर विल ऑलवेज बी पॉजिटिव. और अगर fx को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना है तो दिस हैज टू बी ग्रेटर देन जीरो. तो यानी इसका मतलब k माइनस टू शुड बी ग्रेटर देन जीरो बिकॉज डिनोमिनेटर तो हमेशा ही पॉजिटिव है. देयरफॉर k शुड बी व्हाट, ग्रेटर देन टू. देयरफॉर अवर करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी k शुड बी ग्रेटर देन टू. नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन. Let f be a function from R to R, that is domain is real numbers and codomain is also real numbers. Be a function such that fx is equal to ax plus 3 sin x plus 4 cos x. Then fx is invertible if. Now, invertible यहां कैसे आया? Invertible function के लिए function को क्या होना चाहिए? Function has to be या फंक्शन शुड बी 1 1 एंड ऑन टू. नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि फॉर अ फंक्शन, जो फंक्शन हमारा 1 1 होगा उसकी एक खासियत यह होगी, इट विल ऑलवेज बी अ मोनोटॉनिक फंक्शन. मतलब या तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा. क्यों? सपोज हमारा फंक्शन ये है, अगर वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा इसका मतलब वो किसी एक इंटरवल में सेम आउटपुट नहीं देगा. फॉर एग्जाम्पल समथिंग ऑफ द दिस सॉर्ट. अब यहां से लेके यहां तक x की वैल्यूज चेंज हो रही हैं, बट आउटपुट सेम मिल रहा है. दैट इज इट इज बिकमिंग वॉट, मेनी वन फंक्शन. कि x हमारा चेंज हो रहा है लेकिन आउटपुट वही रह रहा है, तो ये मेनी वन बन रहा है. और ये मेनी वन इसलिए हो रहा है क्योंकि एक इंटरवल में, एक पर्टिकुलर इंटरवल है जहां पे आउटपुट सेम हो रहा है. मतलब वहां पे इस इंटरवल में f'x क्या हो रहा है? जीरो हो रहा है. मतलब f'x हमारा एक पर्टिकुलर इंटरवल में अगर जीरो हो गया तो वो मेनी वन फंक्शन बन जाएगा. और अगर f'x किसी पॉइंट पे बस जीरो है तो उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, हर डिफरेंट इनपुट्स पे डिफरेंट आउटपुट हमको मिलते जाएंगे अगर फंक्शन या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है. लेट से ये इनपुट पे ये आउटपुट मिला, हर पॉइंट पे हमें डिफरेंट आउटपुट मिलेगा अगर वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग. और अगर डिफरेंट इनपुट पे डिफरेंट आउटपुट हर बार मिलते जा रहे हैं तो वो क्या है? 1 1 है. और वो कैसे इंश्योर कर रहे हैं कि f'x की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए एक पर्टिकुलर इंटरवल में. तो इसका मतलब हमारे फंक्शन को क्या होना पड़ेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग अगर हम शो कर दें तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा? 1 1 हो जाएगा. और 1 1 हो ऑन टू हो गया तो फिर वो इन्वर्टेबल हो जाएगा. तो बेसिकली हमें ये शो करना है कि f'x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो और f'x शुड बी लेस देन इक्वल टू जीरो प्रोवाइडेड f'x इज जीरो ओनली एट discrete points and
नॉट इन एन इंटरवल। तो मेन पॉइंट ये ध्यान रखना है कि जो भी फंक्शन 1-1 होगा वो मोनोटोनिक जरूर होगा, दैट इज इट वुड बी आइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। दैट इज व्हाट वी आर सेइंग, 1-1 फंक्शन विल ऑलवेज बी आइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन नेचर एंड वाइस वर्सा। अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नेचर का कोई फंक्शन है तो वो 1-1 जरूर होगा। नाउ अब इसको क्वेश्चन को करते हैं, तो क्वेश्चन हमारा क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस 3 sin x प्लस 4 cos x। नाउ मोनोटोनिसिटी के लिए तो पहले डिफरेंशिएट करें, तो एफ डैश एक्स क्या हो गया, ए प्लस 3 cos x माइनस 4 sin x। नाउ ये जो चीज है दिस इज ऑफ द फॉर्म ए कॉस एक्स प्लस माइनस बी साइन एक्स, इसको हम सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ए प्लस बाय डिवाइडिंग बाय 5 एंड मल्टीप्लाइंग बाय 5। कैसे, बाय डिवाइडिंग बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड मल्टीप्लाइंग बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इट इज अवर चॉइस कि हम इसे साइन में बनाना चाहते हैं कॉस में, तो लेट से हमने कहा 3/5 को मान लिया साइन है साइन अल्फा और 4/5 को मान लिया कॉस अल्फा, तो ये बन गया साइन अल्फा माइनस एक्स, बिकॉज दिस इज साइन अल्फा कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा साइन एक्स, तो फिर ये क्या बन जाएगा साइन एक्स माइनस और राधर अल्फा माइनस एक्स एंड इनटू 5। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, यू शुड राइट दिस प्रॉपरली, दिस वुड बी ए प्लस 5 टाइम्स साइन अल्फा माइनस एक्स। नाउ इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, ए प्लस 5 टाइम्स साइन अल्फा माइनस एक्स आइदर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और ए प्लस 5 साइन अल्फा माइनस एक्स शुड बी लेस देन 0। अगर ये हुआ तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा फंक्शन, और अगर ये हुआ तो हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा, दोनों ही केसेस में वो 1-1 हो जाएगा। नाउ ये चीज अगर इंश्योर करनी है कि a प्लस 5 साइन अल्फा माइनस एक्स हमेशा पॉजिटिव रहे या 0 डिस्क्रीट पॉइंट्स पे आए, तो हमें ये a की वैल्यू क्या देनी है। नाउ ये जो साइन अल्फा माइनस एक्स है इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है, -1। जब ये -1 वैल्यू लेगा तो a -5 हो जाएगा, तो a -5 शुड बी ग्रेटर देन 0, तो a क्या रहे, कम से कम 5 तो रहे, तब ये पॉजिटिव आएगा। सिमिलरली जब ये वाला केस देखेंगे तो ये वाले केस में x माइनस अल्फा -1 से +1 रहेगा, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, +1। तो जब ये अपनी सबसे बड़ी वैल्यू ले लेगा +1, तो ये a प्लस 5 शुड बी व्हाट, लेस देन 0 हो जाना चाहिए, तो a शुड बी लेस देन -5। तो या तो a लेस देन -5 हो या a ग्रेटर देन 5 हो, तो यानी हमारा सोल्यूशन क्या होगा, या तो 5 से इंफिनिटी हो a या -infinity से -5 हो, बोथ आंसर्स आर राइट। तो दोनों ही ऑप्शन है, तो लेट्स सी कौन सा है, इनफैक्ट हमें कोई भी ऑप्शन ये नहीं मिल रहा, 5 से इंफिनिटी एंड -infinity से 5 -5, तो यानी अवर करेक्ट आंसर इज D। Now let's take the next question. Let gx is equal to twice fx by 2 plus f 2 minus x and f double dash x is less than 0 for all x lying between 0 and 2. Then gx increases in the interval. हमें पता लगाना है। तो सबसे पहले तो हम इस information को decode करें कि f double dash x less than 0 है। लेट्स से उसे पहले समझते हैं कि अगर एफ डैश एक्स लेस देन 0 होता है तो फिर एफ एक्स क्या होता है, डिक्रीजिंग होता है, और अगर एफ डैश एक्स पॉजिटिव होता है तो एफ एक्स इंक्रीजिंग होता है। तो किसी भी फंक्शन का अगर हम डेरिवेटिव निकालें और वो डेरिवेटिव नेगेटिव आए तो वो फंक्शन क्या हो जाता है, डिक्रीजिंग, और किसी फंक्शन का हम डेरिवेटिव निकालें और वो पॉजिटिव हो तो फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग हो जाता है।
तो एफ डबल डैश एक्स किसका डेरिवेटिव है? वी कैन थिंक ऑफ दिस एज एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव है, क्योंकि एफ डैश एक्स को जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या हो जाता है, डिफरेंशिएट करने पर क्या मिलता है, सेकेंड डेरिवेटिव एफ डैश एक्स। तो अगर हम कह रहे हैं कि एफ डबल डैश एक्स नेगेटिव है, इसका मतलब एफ डैश एक्स डिक्रीजिंग फंक्शन है। ऑन द सेम लाइन्स, अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव हम निकालते हैं और उसका साइन चेक करते हैं, अगर वो साइन पॉजिटिव है तो हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है, अगर एफ डैश एक्स का साइन नेगेटिव है तो वो फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो हमने किसका, ये एफ डबल डैश एक्स किसका डेरिवेटिव है, एफ डैश एक्स का, तो फिर एफ डैश एक्स क्या हो गया, डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट वी गेट आउट ऑफ दिस इंफॉर्मेशन। अब उसने कहा कि जी एक्स किस इंटरवल में इंक्रीज करता है, तो इंटरवल ऑफ इंक्रीज या डिक्रीज निकालने के लिए तो उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो जी डैश एक्स का साइन चेक करना है, इंक्रीज करने के लिए जी डैश एक्स शुड बी व्हाट, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो जी डैश एक्स क्या होगा, डिफरेंशिएटिंग जी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ट्वाइस, सबसे पहले एक्सटर्नल फंक्शन एफ का है तो एफ डैश एक्स बाय टू, देन वी मूव इनसाइड तो एक्स बाय टू का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, हाफ, हम लोग चेन रूल लगा रहे हैं, प्लस एफ डैश एक्स टू माइनस एक्स, बाहर वाला फंक्शन एफ है तो उसका डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स, एक्स की जगह टू माइनस एक्स है, फिर अंदर गए टू माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस वन, क्योंकि टू का जीरो होगा और माइनस एक्स का माइनस वन हो जाएगा। तो व्हाट डू वी गेट, टू से टू कैंसिल हो गया एंड वी हैव एफ डैश एक्स बाय टू माइनस एफ डैश टू माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, क्योंकि हमें जी डैश एक्स का इंक्रीजिंग इंटरवल निकालना है कि किस इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है। तो ये क्या हो गया, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ डैश टू माइनस एक्स, ठीक है। तो ठीक है, तो अब अगर हमारा फंक्शन एफ डैश इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है तो हमको एक प्रॉपर्टी और पता है कि इफ एक्स वन इज लेस देन एक्स टू होता है और फंक्शन हमारा क्या है, डिक्रीजिंग है, तो फिर क्या होता है, एफ एक्स वन ग्रेटर देन एफ एक्स टू होता है, कि जैसे जैसे इनपुट बढ़ा रहे हैं आउटपुट क्या होना चाहिए, घटना चाहिए। तो अगर डिक्रीजिंग फंक्शन है तो इनपुट की इनइक्वालिटी का ऑर्डर और आउटपुट की इनइक्वालिटी का ऑर्डर रिवर्स होता है। तो इस केस में एफ डैश एक्स की जब बात हो रही है तो एफ डैश एक्स क्या है, डिक्रीजिंग है। तो एफ इसको अगर हम एक्स वन मान लें और इसको हम एक्स टू इनपुट मान लें तो हम क्या लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं एफ डैश एक्स वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ डैश एक्स टू, और एफ डैश एक्स क्या है, डिक्रीजिंग है। तो फिर इसके जो इनपुट्स हैं उनका ऑर्डर क्या हो जाएगा, एक्स वन इज लेस देन एक्स टू। तो ऑन द सेम लाइन्स क्या लिखेंगे, ये एक्स बाय टू है तो एक्स बाय टू शुड बी लेस देन इक्वल टू टू माइनस एक्स। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्स को इधर लाए तो एक्स प्लस थ्री बाय सॉरी एक्स प्लस एक्स बाय टू शुड बी लेस देन इक्वल टू टू, तो ये क्या हो जाएगा, दिस वुड बी थ्री एक्स बाय टू लेस देन टू, देयरफॉर एक्स इज लेस देन फोर बाय थ्री। तो एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, फोर या फोर बाय थ्री या उससे कम रहनी चाहिए, पर एक्स हमारी है कहां, जीरो से स्टार्ट हो रही ना, ऑप्शंस जो चारों दिए उस हिसाब से तो कहीं भी इंक्लूड नहीं हो रहा, यानी कौन सा केस है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का केस हो रहा है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो वील हैव टू यूज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाला केस, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग अगर हो जाएगा तो बस खाली ये इक्वेलिटी हट जाएगी, यस। तो फिर x की वैल्यू क्या रहनी चाहिए, 4 बाय 3 से कम रहनी चाहिए, और x किस इंटरवल में लाई कर रहा है, 0 से 2, तो सबसे मिनिमम वैल्यू तो क्या हो सकती है, 0, और 0 से 4 बाय 3, क्योंकि 4 बाय 3 से कम रहना है। तो दिस इज योर इंटरवल ऑफ इंक्रीज फॉर जी एक्स, देयरफॉर विच ऑप्शन इज करेक्ट, 0 टू 4 बाय 3। Now let's take the next example. The function fx, x raised to power x decreases in the interval. किस इंटरवल में डिक्रीज कर रहा है ये हमें निकालना है, तो सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। बट वी आर सीइंग कि x raised to power x is a logarithmic function, logarithmic differentiation से होगा rather. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, fx is equal to e raised to power ln x raised to power x,
विच कैन बी रिटन एज ई रेस्ट पावर एक्स एल एन एक्स। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं एफ डैश एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, एफ डैश एक्स की वैल्यू दैट इज डिफरेंशिएटिंग फंक्शन एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या होगा ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होता है, पर एक्स की जगह क्या लिखा है एक्स एल एन एक्स। देन वी मूव इनसाइड, तो एक्स एल एन एक्स का क्या होगा प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, व्हाट डू वी गेट ई रेस्ट टू पावर एक्स एल एन एक्स एंड दिस इज एक्स बाहर एल एन एक्स का वन अपॉन एक्स फिर एल एन एक्स बाहर एक्स का वन। तो एफ डैश एक्स हमारा क्या होगा ई रेस्ट टू पावर एक्स एल एन एक्स, एक्स एन एक्स गेट्स कैंसल्ड वन प्लस एल एन एक्स एंड दिस शुड बी लेस देन जीरो, डिक्रीज कर रहा है तो लेस देन जीरो ही लगा लेते डिक्रीज, क्योंकि हमारे कोई भी इंटरवल में इंक्लूसिव नहीं आ रहा है। नाउ दिस पार्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि ई का फंक्शन ई रेस्ट टू पावर एक्स फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव, ई रेस्ट टू पावर एक्स इज पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स, ये तो पॉजिटिव हो गया। अब इसका मतलब नेगेटिव किसके वजह से होगा, इस पार्ट की वजह से होगा, एल एन एक्स प्लस वन शुड बी लेस देन जीरो, एल एन एक्स शुड बी लेस देन माइनस वन, इसको हम कैसे लिख सकते हैं लॉग बेस ई एक्स इज लेस देन माइनस वन, तो ई हमारा राइट साइड जाएगा तो एक्स क्या हो जाएगा ई रेस्ट पर माइनस वन, देखो एक्स इज लेस देन वन बाय ई। मोर ओवर जब हमने एल एन एक्स फॉर्म में लिखा है इसको तो एक्स शुड बी ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि एल एन में नेगेटिव वैल्यूज अलाउड नहीं, तो एक्स हैज टू बी पॉजिटिव, एक्स हैज टू बी पॉजिटिव एंड एक्स इज लेस देन वन बाई, इन दो इन्फॉर्मेशन को कंबाइन करें तो एक्स क्या हो जाएगा जीरो से लेके वन बाई, विच कैन ऑल्सो बी रिटेन एज एक्स बिलोंग्स टू जीरो टू वन बाय ई। तो देयरफॉर योर करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज पार्ट सी। नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी आर गिवन दैट एफ डैश एक्स इज मॉड ऑफ एक्स माइनस फ्रैक्शनल ऑफ एक्स, देन एफ एक्स इज डिक्रीजिंग इन, तो एफ एक्स को अगर डिक्रीज होना है तो एफ डैश एक्स क्या आना चाहिए लेस देन इक्वल टू जीरो एंड शुड बी इक्वल टू जीरो एट ओनली डिस्क्रीट पॉइंट्स, या इंटरवल में भी हो सकता है क्योंकि सिंपली डिक्रीजिंग कह रहे हैं। नाउ एफ डैश एक्स को नेगेटिव आए हमारी वैल्यू तो एक्स की क्या वैल्यू है, नाउ इन दिस केस ऑब्वियसली फ्रैक्शनल फंक्शन जो हमारा होता है दिस इज योर लेट्स से दिस इज योर फ्रैक्शनल फंक्शन, ऐसे हमारा फ्रैक्शनल फंक्शन होता है दिस इज अवर फ्रैक्शनल फंक्शन, तो ये ऐसे होता है ओपन सर्कल है रादर दिस शुड बी ओपन सर्कल, दिस इज ओपन सर्कल ऐसे होता जाता है दिस इज प्लस वन, और जो y इक्वल टू मॉड एक्स होता है वो क्या होता है दिस इज दिस फंक्शन, ये मॉड एक्स फंक्शन होता है। नाउ अब इस तरीके से देख पाना कि कहां पे मॉड एक्स फंक्शन इज रादर, अगर एफ डैश एक्स को लेस देन जीरो होना है यानी हमें क्या देखना है मॉड एक्स माइनस फ्रैक्शनल एक्स शुड बी लेस देन इक्वल टू जीरो, विच मीन्स मॉड एक्स शुड बी लेस देन फ्रैक्शनल ऑफ एक्स। अब ये देख पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा कि जो मॉडुलस फंक्शन है वो किस रेंज में फ्रैक्शनल एक्स से छोटा है, तो व्हाट वी डू इंस्टेड इज हम हर इंटरवल जो हमें चारों दिए हैं उस पर हम इसका चेक कर लेंगे एफ डैश एक्स कहां पे नेगेटिव हो रहा है। नाउ व्हाट वी डू इज एफ डैश एक्स कैन बी रिटन एज मॉड एक्स माइनस फ्रैक्शनल को हम क्या लिख सकते हैं एक्स माइनस ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स, बिकॉज वी नो दैट एनी नंबर कैन बी रिटन एज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड प्लस फ्रैक्शनल फंक्शन, तो फ्रैक्शनल फंक्शन क्या हो जाएगा एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक क्या हो गया मॉड एक्स माइनस एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। नाउ अब एक एक इंटरवल में हम चेक कर लेते हैं, तो लेट्स से फर्स्ट इंटरवल क्या है माइनस हाफ से जीरो, तो माइनस हाफ से जीरो में एफ डैश एक्स क्या होगा कैसे मॉड एक्स क्या खुलेगा, ये तो पूरा नेगेटिव इंटरवल है तो माइनस एक्स एंड प्लस
ये क्या खुलेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस हाफ से जीरो में अगर हम इनपुट देंगे, दिस इज माइनस वन, दिस इज माइनस हाफ, दिस इज जीरो, तो माइनस, लेट्स से माइनस हाफ से जीरो अगर हम इनपुट देंगे तो हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या वैल्यू दे देगा, माइनस वन। तो देखो ये क्या बन जाएगा, माइनस वन। ये वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, माइनस टू एक्स माइनस वन, माइनस टू एक्स माइनस वन। अब माइनस टू एक्स माइनस वन की वैल्यू क्या रहेगी, आउटपुट क्या रहेगा, व्हेन एक्स लाइज बिटवीन माइनस हाफ एंड जीरो, तो फिर माइनस टू एक्स माइनस वन कहां से कहां रहेगा, तो वी मल्टीप्लाई बाय टू बोथ साइड, तो क्या हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। एंड देन वी सब्ट्रैक्ट, देन वी मल्टीप्लाई बाय माइनस, तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। एंड देन वी सब्ट्रैक्ट माइनस वन, तो ये हो जाएगा माइनस वन, माइनस टू एक्स माइनस वन इज लेस देन जीरो। तो इसका मतलब माइनस टू एक्स माइनस वन क्या रह रहा है, माइनस वन से जीरो, विच इज अ नेगेटिव वैल्यू, यानी एफ डैश एक्स क्या आ रहा है, नेगेटिव वैल्यू आ रहा है। तो इसका मतलब यहां तो ये डिक्रीजिंग हो जाएगा, एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव है तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। यानी अगर देखा जाए तो हमारा आंसर ये आ चुका है फर्स्ट स्टेप में, वी हैव गॉट लकी कि पहला आंसर चूज किया वही हो गया। वी कंटिन्यू दिस प्रोसेस फॉर ऑल द अदर इंटरवल्स, जैसे अगर हम अब सेकेंड इंटरवल चेक कर लें, फॉर हमारा आंसर आ गया, लेकिन स्टिल अगर हम चेक करना चाहें तो माइनस हाफ से टू है एक्स, तो एफ डैश एक्स कैसे खुलेगा, मॉड एक्स क्या होगा, मॉड एक्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि माइनस हाफ से जीरो एक खोलना पड़ेगा, दैट इज वील ब्रेक दिस इंटू माइनस हाफ से जीरो एंड देन जीरो से टू। तो उसमें दो केसेस आएंगे, जब माइनस हाफ से जीरो होगा तो क्या होगा, ये माइनस एक्स खुलेगा एंड देन वील हैव माइनस एक्स, और माइनस हाफ से जीरो में, माइनस हाफ से जीरो में क्या खुलेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस वन, ये हो जाएगा प्लस वन। सिमिलरली जब जीरो से टू होगा तो मॉड एक्स क्या खुलेगा, एक्स, ये माइनस एक्स, और जीरो से टू में अगेन वील हैव टू ब्रेक दिस इंटू जीरो एंड वन, जीरो टू वन एंड वन टू टू। काफी लेंदी प्रोसेस होगा, लेकिन क्योंकि अब हमारा आंसर आ गया, वी वोंट गो इनटू दिस, पर प्रोसेस हमारा यही रहेगा कि वील चेक इन ईच इंटरवल स्टेप बाय स्टेप। तो देखो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज माइनस हाफ से जीरो। नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस मॉड ऑफ एक्स माइनस वन एंड इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग व्हेन। अब मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग मतलब ये कंटिन्यूसली इंक्रीज हुआ जा रहा है, तो इसका मतलब हमें क्या शो कर, क्या फाइंड करना है, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कहां हो रहा है, या रादर ग्रेटर देन जीरो ही ले रहे हैं। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो रहा है, तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो होने के लिए हमें इसे डिफरेंशिएट करना है। अब मॉड एक्स फंक्शन का तो नेचर चेंज होता रहता है, जैसे व्हाट वी सी इज ये आपका मॉड एक्स फंक्शन है, एंड सिमिलरली मॉड एक्स माइनस वन क्या फंक्शन होगा, ये फंक्शन होगा, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट कि वो एक्चुअल ग्राफ क्या आएगा दोनों को कॉम्बिनेशन करके। इसका बेस्ट तरीका मॉडुलस फंक्शंस और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस या फ्रैक्शनल फंक्शंस, इनको डील करने का है कि इनकी डेफिनेशन के थ्रू इनको डिफाइन कर लें। तो जैसे हमारे दो पॉइंट्स हैं जीरो और वन, वहां पे ये फंक्शंस चेंज हो रहे हैं, जीरो पे ये चेंज हो रहा है पहला वाला मॉड एक्स, और वन पे चेंज हो रहा है मॉड एक्स माइनस वन। तो हमारे इंटरवल्स क्या हो जाएंगे, हमारे इंटरवल्स दैट वील कंसीडर इज जीरो और वन। तो हमारे तीन इंटरवल्स हो गए, कब, जब एक्स वन से बड़ा है, जब एक्स लेस देन जीरो है, और जब एक्स जीरो और एक्स जीरो और वन के बीच में। तो हम अपने फंक्शंस को इन तीन इंटरवल्स में ब्रेक करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट से एक्स इज लेस देन जीरो, जब एक्स लेस देन जीरो होगा तो मॉड एक्स क्या खुलेगा, माइनस एक्स, और जब एक्स लेस देन जीरो होगा मतलब एक्स कहां पर है, यहां है और यहां है। तो हमको पता है कि इसका इक्वेशन क्या होता है, इस साइड का y is equal to x, इसका होता है y equals to minus x। सिमिलरली इस ब्रांच का होता है y is equal to x minus 1, और इस ब्रांच का होता है माइनस एक्स माइनस वन। तो अब हमारा क्योंकि इंटरवल x लेस देन जीरो तो यहां आ रहा है, तो देखो कौन सी ब्रांच से आउटपुट आएंगे, माइनस ऑफ x माइनस वन,
तो दिस बिकम्स माइनस ऑफ माइनस माइनस प्लस एक्स माइनस वन, तो ये हमारा सॉल्व होके क्या आया माइनस वन। सिमिलरली व्हेन एक्स लाइज बिटवीन जीरो टू वन, तो एफ एक्स क्या खुलेगा जीरो से वन में, मतलब एक्स पॉजिटिव है तो मॉड एक्स क्या खुलेगा एक्स, और जीरो से वन में ऑब्वियसली अभी भी हम कहां पर है वन से कम पर है, इस इंटरवल में तो आउटपुट कहां से मिलेगा इसी ब्रांच से मिलेगा, देयरफॉर क्या मिलेगा माइनस ऑफ एक्स माइनस वन, तो माइनस माइनस प्लस एक्स माइनस वन, व्हाट डू वी गेट इज टू एक्स माइनस वन। एंड सिमिलरली व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन वन तो एफ एक्स क्या खुलेगा, इस बार तो मॉड एक्स भी पॉजिटिव खुलेगा और मॉड एक्स माइनस वन भी पॉजिटिव खुलेगा, क्यों, क्योंकि इस बार हम इनपुट कहां से दे रहे हैं एक्स ग्रेटर देन वन, मतलब यहां से, देयरफॉर कौन सी ब्रांच से आउटपुट आएगा एक्स माइनस वन की ब्रांच से, ठीक क्या हो जाएगा एक्स माइनस वन, देयरफॉर दिस बिकम्स टू एक्स, रादर इस बार यहां माइनस होगा, ये माइनस होगा और ये प्लस हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो दिस टाइम वी गेट वन। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम चाहें तो इसको ड्रॉ भी कर सकते हैं नाउ, अब बहुत आसान हो जाएगा, अदरवाइज अब हमें डिफरेंशिएट अगर करना है डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एफ डैश एक्स क्या होगा, एफ डैश एक्स की वैल्यू होगी जीरो व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो, क्योंकि माइनस वन तो कॉन्स्टेंट है, इसी तरह एफ एक्स क्या होगा टू होगा, क्योंकि टू एक्स माइनस वन का डिफरेंशिएशन टू होगा व्हेन एक्स लाइज बिटवीन जीरो एंड वन, और एफ डैश एक्स की वैल्यू अगेन जीरो हो जाएगी व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन वन, क्योंकि वन का डिफरेंशिएशन जीरो होगा, तो एफ डैश एक्स की वैल्यू पॉजिटिव कहां आ रही है, एफ डैश एक्स पॉजिटिव चाहिए इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए, तो एफ डैश एक्स पॉजिटिव कहां आ रही है, ये देखिए टू आ रही है पॉजिटिव एफ डैश एक्स की वैल्यू, देखो व्हेन एक्स लाइज बिटवीन जीरो एंड वन हमारा फंक्शन क्या होगा इंक्रीजिंग होगा, तो देयरफॉर आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी आर गिवन दैट एफ डबल डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर्स, एफ डैश थ्री की वैल्यू जीरो है एंड जी एक्स इज एफ ऑफ टेन स्क्वायर एक्स माइनस टू टेन एक्स प्लस फोर इन द इंटरवल जीरो से पाई बाय टू व्हेन एक्स लाइज बिटवीन जीरो एंड पाई बाय टू, देन जी एक्स इज इंक्रीजिंग इन, जीएक्स का इंटरवल ऑफ इंक्रीज क्या है बिटवीन जीरो टू पाई बाय टू, ठीक है, तो सबसे पहली चीज अगेन एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव है, देयरफॉर वी कैन से एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग है, ऑन द सेम लॉजिक की अगर एफ डैश एक्स पॉजिटिव होता है तो एफ एक्स क्या हो जाता है इंक्रीजिंग हो जाता है, तो पहली इंफॉर्मेशन तो ये मिली कि एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग है, और इंक्रीजिंग फंक्शन में हमको एक चीज पता होती है कि जैसे जैसे इनपुट हम बढ़ाते हैं वैसे वैसे आउटपुट भी बढ़ते हैं, तो इफ एक्स वन इज लेस देन एक्स टू देन एफ एक्स वन शुड बी लेस देन एफ एक्स टू, इंक्रीजिंग का यही मतलब होता है। नाउ हमें जी एक्स का इंक्रीजिंग इंटरवल निकालना है तो उसको डिफरेंशिएट करते हैं, जी डैश एक्स क्या होगा, सबसे पहले आउटर फंक्शन एफ है यानी एफ डैश ऑफ टेन स्क्वायर एक्स माइनस टू टेन एक्स प्लस फोर इंटू देन वी मूव इनसाइड, तो टेन स्क्वायर एक्स का टू टेन एक्स और tan x का sec square x by chain rule minus 2 into tan x का sec square x। Now f dash ये जो अंदर हमने लिखा है इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan x minus 1 का whole square plus 3, tan square x minus 2 tan x plus 1, 1 plus 3 is 4, इसको हमने ऐसा क्यों लिखा है we'll see, तो ये क्या आ जाएगा sec square x common 2 भी common and we'll have tan x minus 1. Now, check करें g dash x को increasing, g dash x को positive होना होगा for it to be increasing. अगर इसे increasing होना है, इसको अगर increasing होना है तो इन सारे factors का product positive आना चाहिए, जिसमें कि sec square x तो हमेशा ही positive होगा because it is a square term. अब tan x minus 1 पॉजिटिव कहां होगा, tan x minus 1 has to be greater than 0, that means tan x की वैल्यू 1 से बड़ी है, tan x की वैल्यू 1 से बड़ी कहां आएगी, और इंटरवल हमारा x का क्या है 0 से pi by 2, x is equal to pi by 4 पे तो tan क्या मिलता है 1 मिलता है,
और tan x हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो जैसे जैसे इनपुट बढ़ाएंगे आउटपुट बढ़ेगा, यानी x की वैल्यू अगर पाई बाय 4 से आगे बढ़ाएंगे तो आउटपुट हमें क्या मिलेगा, 1 से ज्यादा मिलेगा। तो देयरफॉर tan x माइनस 1 कहां पे पॉजिटिव हो रहा है, tan x माइनस 1 पॉजिटिव हो रहा है पाई बाय 4 टू पाई बाय 2। नाउ ये इंटरवल तो पॉजिटिव इसमें हो रहा है, ये रादर ये फंक्शन इस इंटरवल में पॉजिटिव हो रहा है, ये हमेशा ही पॉजिटिव है। अब आइए इस पे, एफ डैश टेन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस थ्री की वैल्यू, ये जो अंदर हमने वैल्यू लिखी है टेन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस थ्री, ये वैल्यू विल बी ग्रेटर देन थ्री, क्योंकि टेन एक्स माइनस वन तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा, टेन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा। अगर हम x को पाई बाय 4 दें तो ये जीरो होगा, अगर tan x, अगर हम x को पाई बाय 4 दें तो tan x माइनस 1 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि tan पाई बाय 4 इज 1, 1 माइनस 1 इज 0, एंड दैट केस ये चीज जीरो होगी। नहीं तो फॉर एनी अदर वैल्यू ऑफ x बिटवीन 0 एंड पाई बाय 2 tan x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 3। क्यों, क्योंकि एफ डैश एक्स क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो जैसे जैसे इनपुट बढ़ाएंगे आउटपुट भी तो बढ़ेगा। तो जब हमें पता है कि टेन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस थ्री, ये इनपुट थ्री से बड़ा है, तो फिर इसका आउटपुट भी उसी हिसाब से चलेगा, टेन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस थ्री ये आउटपुट मिलेगा विच विल बी ग्रेटर देन जो थ्री पे मिलेगा। तो एफ डैश थ्री की वैल्यू क्या है, एफ डैश थ्री की वैल्यू तो जीरो है, तो इसका मतलब एफ डैश tan x माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस थ्री की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन जीरो है। tan x माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस थ्री, इसकी वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो मतलब ये क्या हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अब ये हमारा पॉजिटिव कहां होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, और ये हमारा कहां है पॉजिटिव, पाई बाय 4 से पाई बाय 2। देयरफॉर अल्टीमेटली अगर हमारा x पाई बाय 4 से पाई बाय 2 रहे तो फिर क्या हो जाएगा, क्या नाम जो है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, पाई बाय 4 से पाई बाय 2 में अगर रहेगा तो एफ डैश एक्स पॉजिटिव, सॉरी जी डैश एक्स पॉजिटिव हो जाएगा, देयरफॉर जी एक्स इंक्रीजिंग हो जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो हमने लिखा ये सिर्फ x इज इक्वल टू पाई बाय 4 पे अलाउड नहीं है, क्योंकि पाई बाय 4 पे ये जीरो हो जाएगा, एफ डैश थ्री बराबर एफ डैश थ्री आएगा, एफ डैश थ्री की वैल्यू एफ डैश टेन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस थ्री की वैल्यू एफ डैश थ्री से ज्यादा नहीं होगी अगर x इज इक्वल टू पाई बाय 4 है। अदर देन दैट कोई भी वैल्यू हम x की यूज करें, इसकी वैल्यू हमेशा इसकी वैल्यू से ज्यादा रहेगी, बिकॉज एफ डैश एक्स इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन। नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। Let f x be a function such that f dash x is equal to log base 1 by 3 log base 3 sin x plus a, and if f x is decreasing function for all real values of x, then a lies in the interval. हमें पता लगाना है। Now f dash f x decreasing function है, तो यानी f dash x should be less than 0 for all real x. तो f dash x less than 0 implies कि log base 1 by 3 log 3 साइन एक्स प्लस ए शुड बी लेस देन जीरो, और हमको पता है कि लॉग बेस ए बी अगर लेस देन सी है, तो अगर बेस ए जीरो से वन के बीच में है तो एज यू रिमूव द लॉग इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है, ए रेस टू पास सी हो जाएगा, और अगर ए की वैल्यू जो बेस है हमारी वो ग्रेटर देन वन है तो एज इट इज हमारी इनइक्वालिटी रहती है ए रेस टू पास सी। अब यहां पे हमारी इनइक्वालिटी क्या है, रादर हमारा बेस क्या है, 1 बाय 3 विच इज लेस देन 1, तो जब हम ये लॉग हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, लेट्स से वी गेट रिड ऑफ दिस, तो ये क्या होगा, इनइक्वालिटी रिवर्स होगी, 1 बाय 3 रेस टू पास 0, तो क्या हो गया, लॉग बेस 3 साइन एक्स प्लस ए इज ग्रेटर देन 1। Now अगेन अब बेस हम क्या देख रहे हैं, अब इस बार बेस जो है हमारी ग्रेटर देन वन है, तो जब यहां अब लॉग हटाएंगे तो क्या होगा, इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, थ्री रेस टू पावर 1, तो फिर क्या आया, साइन एक्स इज ग्रेटर देन 3 माइनस ए। अब
साइन एक्स की जो मिनिमम वैल्यू वो क्या होती है, माइनस वन। तो ये माइनस वन अगर हो गया तो दिस शुड बी ग्रेटर देन थ्री माइनस है। साइन एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, माइनस वन, तो साइन एक्स शुड बी एटलीस्ट इक्वल टू माइनस वन फॉर इट टू एग्जिस्ट। तो क्या हो जाएगा, ए इज ग्रेटर देन थ्री प्लस वन विच इज ए इज ग्रेटर देन फोर, यानी ए की वैल्यू क्या हो, फोर से बड़ी हो। तो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, फोर टू इन्फिनिटी। फॉर द करेक्ट आंसर इज बी। लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट कंटिन्यूअस इंटरवल इन विच फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू फोर एक्स माइनस टेन टू एक्स इज मोनोटोनिक इज। अब इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन मोनोटोनिक हो, मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो, तो किस इंटरवल में कंटिन्यूअस, कितना लंबा इंटरवल हम ले सकते हैं जहां पर यह फंक्शन या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाए या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाए। मतलब x की हम कहां से कहां तक मैक्सिमम रेंज ले सकते हैं इनपुट्स की, जहां पे ये फंक्शन या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाए या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाए। मतलब हमें इंटरवल ऑफ इंक्रीज और इंटरवल ऑफ डिक्रीज निकालना है और वो इंटरवल चूज कर लेना है, कंटिन्यूस इंटरवल जहां पर यह मैक्सिमम लेंथ तक एक ही नेचर शो कर रहा है, या तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। तो सबसे पहले तो हम इसे डिफरेंशिएट करें, एफ डैश एक्स क्या होगा, फोर माइनस टेन टू एक्स का क्या हो गया, सेक्स स्क्वायर टू एक्स और टू एक्स का टू, तो वी कैन टेक टू आउट, तो क्या हो जाएगा टू माइनस सेक्स स्क्वायर टू एक्स। एंड वी कन्वर्ट दिस इनटू टेन, तो क्या हो जाएगा टू माइनस सेक्स स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, वन प्लस टेन स्क्वायर टू एक्स। तो दिस कम्स आउट टू बी ट्वाइस वन माइनस टेन स्क्वायर टू एक्स। नाउ अब अगर हमें कंटिन्यूस इंटरवल चाहिए, हमें पता है कि जो हमारा टेन एक्स का ग्राफ होता है इज समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, ये इंटरवल में ही कंटिन्यूस होता है, ये कंटिन्यूस रहता है, ये इंटरवल है जिसमें कंटिन्यूस एक पूरा साइकिल कंप्लीट करता है। तो यानी हमारा जो 2x एंगल है, मतलब अगर x की वैल्यू माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू रहे तो ये एक कंटिन्यूस इंटरवल है। तो 2x कहां से रहेगा, फॉर 2x टू लाई बिटवीन माइनस पाई बाय टू हमारा इंटरवल क्या हो जाए, पाई बाय फोर से, माइनस पाई बाय फोर से प्लस पाई बाय फोर हो जाए। तो जैसे ही हम इसको ट्वाइस करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस पाई बाय टू से प्लस पाई बाय टू एक इंटरवल पूरा कर लेगा। तो इफ एक्स की वैल्यू लाइज बिटवीन माइनस पाई बाय फोर से प्लस पाई बाय फोर तो हमारा एक कंटिन्यूस इंटरवल आ जाएगा। अब इस इंटरवल में हमारा फंक्शन ये जो एफ डैश एक्स हमने निकाला है ये पॉजिटिव कब होगा, मतलब ट्वाइस ऑफ वन माइनस टेन स्क्वायर टू एक्स नीड्स टू बी पॉजिटिव। इसको अगर हम लिखे तो टेन स्क्वायर टू एक्स माइनस वन इज लेस देन इक्वल टू जीरो, माइनस कॉमन ले लिया, तो विच मीन्स टेन टू एक्स की वैल्यू क्या हो गई, शुड लाई बिटवीन माइनस वन एंड प्लस वन। तो टू एक्स, टेन टू एक्स की वैल्यू क्या हो, अब टेन टू एक्स तो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो अगर एंगल की टर्म्स में बात करें तो टू एक्स शुड लाई बिटवीन माइनस पाई बाय फोर से प्लस पाई बाय फोर, विच इंप्लाइज एक्स शुड लाई बिटवीन माइनस पाई बाय एट से प्लस पाई बाय एट। तो जब x की वैल्यू माइनस पाई बाय एट से प्लस पाई बाय एट होगी तो ये फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। तो इंक्रीजिंग फंक्शन मतलब यहां पे मोनोटोनिक नेचर है इसका, किस इंटरवल में, माइनस पाई बाय एट से प्लस पाई बाय एट। तो इसकी लेंथ कितनी हो गई, इस ये जो हमारा रेंज है जिसमें द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द फंक्शन इज मोनोटोनिक, अब चाहे वो इंक्रीजिंग हो चाहे डिक्रीजिंग हो उससे हमें मतलब नहीं, तो ये रेंज कितनी है, पाई बाय एट माइनस ऑफ माइनस पाई बाय एट विच इज टू पाई बाय, यानी पाई बाय फोर लेंथ की है ये रेंज। नाउ ऑब्वियसली फिर जो हमारी बाकी रेंज है उसमें क्या है, डिक्रीजिंग है, तो डिक्रीजिंग कहां से कहां तक हो गया, डिक्रीजिंग हो गया माइनस पाई बाय फोर से माइनस पाई बाय एट एंड पाई बाय फोर से पाई बाय एट से पाई बाय फोर, यहां पे क्या हो गया, इंटरवल ऑफ डिक्रीज हो गया। तो इसमें जो हमारा इंटरवल है वो क्या है, पाई बाय फोर माइनस पाई बाय एट। अच्छा दोनों सिमेट्रिक हैं तो कोई भी हम एक इंटरवल निकाल लें, तो दिस गिव्स यू टू, यहां से भी कितना आ रहा है,
यहां से हमारा लेंथ कितना आ रहा है, 2 2, दिस इज 2 पाई माइनस पाई अपॉन 8, ये लेंथ कितनी आ रही, पाई बाई 8, ये लेंथ तो इससे छोटी है, तो देयरफॉर हमारी जो मैक्सिमम या लार्जेस्ट कंटिन्यूअस इंटरवल है जहां पे हमारा फंक्शन मोनोटॉनिक रह सकता है इस पाई बाय 4, और इस और ये जो पाई बाय 4 की लेंथ है इस इंटरवल में, दिस इंटरवल विल लास्ट बिटवीन माइनस पाई बाय 8 टू प्लस पाई बाय 8, इस इंटरवल के बीच में ये इंक्रीजिंग भी होगा, देयरफॉर आवर करेक्ट आंसर इज पाई बाय 4. नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन. The number of solutions of this equation x cube plus 2x square plus 5x plus 2 cos x equals to 0 in the interval 0 to 2 pi is, मतलब क्या हुआ कि 0 से 2 pi की वैल्यू अगर हम x को दें तो इस इक्वेशन के कितने solutions होंगे. Solutions मतलब वो values of x जो रखने पे right side 0 दे दे, तो ऐसे कितनी वैल्यूज ऑफ एक्स होंगी बिटवीन 0 एंड 2 पाई जिनको रखने पे हमें राइट साइड 0 मिल जाए, मतलब इसके रूट्स बन जाए या सॉल्यूशंस हो जाए. ठीक है, प्रॉब्लम इसमें ये है कि ये पार्ट तो हमारा एलजेब्रिक है एंड ये पार्ट हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो इनको एक साथ कैसे डील करें. तो व्हाट वी डू इज वी अज्यूम दिस फंक्शन टू बी एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 cos x और इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आएगा 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 माइनस 2 साइन एक्स. नाउ ये हमारा क्या बन गया, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन. नाउ इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5. हम एक्चुअली एफ डैश एक्स का साइन देख रहे हैं कि ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है. अगर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया तो फिर इसका इसका मतलब ये जो फंक्शन हमें दिया एफ एक्स, ये इसका नेचर एक सा है, या तो ये स्टेट बढ़ रहा है या स्टेट घट रहा है, ये कुछ पार्ट में इंक्रीज कुछ पार्ट में डिक्रीज नहीं कर रहा है. नाउ अगर हम इसे जी एक्स मान के इसका मिनिमम वैल्यू निकालें तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मिनिमम वैल्यू कब मिलता है, माइनस डेल्टा अपॉन 4 है, ये होती है इसकी मिनिमम वैल्यू एट द वर्टेक्स. और किस पॉइंट पे मिलती है, एक्स इक्वल टू माइनस बी बाय 2 है. बेसिकली हमको इसकी मिनिमम वैल्यू देखनी है तो क्या है, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a, तो माइनस ऑफ बी स्क्वायर, बी है इसका 4 यानी 16 माइनस 4 इंटू ए इज 3 इंटू सी इज 5 अपॉन 4 इंटू 3, तो कितना आ गया माइनस ऑफ 4 3 जा 12 12 5 जा 60 विच इज माइनस ऑफ 44 बाय 4 इंटू 3 11, यानी इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आई 11 बाय 3. अब इसकी जो मिनिमम वैल्यू है यानी ये कम से कम वैल्यू सबसे छोटी वैल्यू भी देगा तो 11 बाय 3 होगी विच इज अप्रोक्सीमेटली 3.67. नाउ साइन एक्स जो 2 साइन एक्स है, हमको पता है कि साइन एक्स ऑलवेज लाइज बिटवीन माइनस 1 टू प्लस 1, तो 2 साइन एक्स कहां से कहां तक होगा, 2 साइन एक्स माइनस 2 से प्लस 2 होगा. नाउ अगर ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू भी ले ले, 2 साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 2, तो अगर ये वैल्यू मैक्सिमम 2 भी हो गई तो भी 3 ये अपनी मिनिमम वैल्यू ले ले खाली और ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू ले ले और इनका डिफरेंस ले तो क्या हो रहा है 1.67 विच इज पॉजिटिव. मतलब इस फंक्शन ने अपना मिनिमम वैल्यू लिया और इस फंक्शन ने मैक्सिमम वैल्यू लिया तब भी हमारा एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है. यानी एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स, एक्स की आप कोई भी वैल्यू डालिए एफ डैश एक्स हमेशा पॉजिटिव है, यानी ये क्या हो गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया. अब अगर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया है तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये फंक्शन एक्स एक्सिस को काटेगा भी तो एट द मोस्ट एक पॉइंट पे काटेगा, क्योंकि अगर या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो क्या होगा स्टेट ऊपर बढ़ रहा होगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, तो यानी अगर ये काटेगा भी तो सिर्फ एक पॉइंट पे काटेगा अगर काटेगा, तो इसका आंसर आइदर 1 होगा या 0 होगा क्योंकि एक से ज्यादा जगह तो ये काट नहीं सकता. नाउ अब हम इसका देखते हैं कि क्या एक जगह भी ये काट रहा है. इसके लिए हमने क्या चेक किया कि अगर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इस इंटरवल में, जिस इंटरवल में हमको देखना है फ्रॉम 0 टू 2 पाई, लेट्स से 0 है ये 2 पाई, इस इंटरवल में इसका साइन क्या है, तो एफ जीरो पे क्या वैल्यू है इसकी, एफ जीरो पे इसकी वैल्यू आ रही है 2. कैसे,
यहां जीरो रखा तो जीरो, यहां जीरो, यहां जीरो, एंड कॉस जीरो क्या होता है वन, तो देखोर एफ जीरो की वैल्यू है टू, और एफ टू पाई की वैल्यू क्या होगी, टू पाई का होल क्यूब प्लस टू इंटू टू पाई का होल स्क्वायर प्लस टू इंटू कॉस टू पाई, ना कॉस टू पाई तो वन होता है, यानी ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव ही आएगी, एंड दैट वैल्यू विल बी ग्रेटर देन टू। ऑब्वियसली ये टू आ गया है और ये वैल्यूज अभी एड होंगी तो ओवरऑल ये क्या है, इनफैक्ट जीरो से बड़ा है और ये टू से भी बड़ा है। तो यहां पे अगर हम देखें इस इंटरवल में तो ये एक्स एक्सिस को काटेगा ही नहीं, क्योंकि यहां पे भी जीरो पे इसकी वैल्यू क्या है, टू है, और टू पाई पे इसकी और ज्यादा है इस फंक्शन की वैल्यू, तो इसका मतलब ग्राफ कुछ ऐसे जा रहा है। तो जीरो से टू पाई के बीच में तो इसने एक्स एक्सिस को काटा ही नहीं, एक तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो रहा था तो ये ऊपर ही बढ़ता जाएगा, जीरो पे क्या हो गया, इसकी वैल्यू क्या हो गई, टू है, और टू पाई पे उससे भी ज्यादा वैल्यू है और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो यानी स्ट्रेट ऊपर जा रही है, तो एक्स एक्सिस को तो काटेगा ही नहीं। तो इन द इंटरवल जीरो टू पाई हाउ मेनी सॉल्यूशंस डज दिस इक्वेशन हैव, नो सॉल्यूशन। नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। वी आर गिवन दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एट होल रेज टू पावर फोर into x minus 9 whole raised to power 5, x lies between 0 and 10, this function monotonically decreases in, now monotonically decreases in मतलब ये continuously decrease कर रहा है, तो यानी f dash x इसका क्या होना चाहिए, less than 0, strictly decreasing हो गया ये। now f dash x अगर less than 0 है तो इसको differentiate करें, and इसमें तो लगेगा product rule, तो x minus 8 raised to power 4 बाहर ना 5 टाइम्स x माइनस 9 होल रेज टू पावर 4 प्लस फिर x माइनस 9 रेज टू पावर 5 बाहर 4 टाइम्स x माइनस 8 रेज टू पावर 3, तो x माइनस 8 रेज टू पावर 3 इंटू x माइनस 9 रेज टू पावर 4 बाहर आ गया, एंड वी हैव 5 टाइम्स x माइनस 8 प्लस 4 टाइम्स x माइनस 9, तो x माइनस 8 रेज टू पावर 3 x माइनस 9 रेज टू पावर 4 5x minus 40, 4x minus 36, which implies x minus 8 cube, x minus 9 raised to power 4, and we have 9x minus 76. अब ये decreasing है, monotonically decreasing है, मतलब strictly decreasing है, तो less than 0. Now, अगर ये less than 0 है, तो check करिए, x माइनस 9 होल रेज टू पावर 4 तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा, तो बेसिकली हमें जो साइन मिलना है वो यहीं और यहां से मिलना है, तो वील ड्रॉ द कर्व, तो यहां क्या होगा, दिस पार्ट वुड बी 76/9, x इज इक्वल टू 76/9 विच इज 9 8 72, मोर देन 8 है ये, तो 76/9 इधर आ गया और 8 इधर आ गया। नाउ ये भी मेथड अगर लगाते हैं तो दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, तो हमें नेगेटिव चाहिए, तो यानी हमारा एक्स कहां लाई करे, 8 से 76/9 तक लाई करे, तो एक्स शुड लाई बिटवीन 8 टू 76/9 फॉर द फंक्शन टू बी डिक्रीजिंग, देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ फंक्शन gx इज डिफाइंड एज gx is equal to 1 by 4 f of 2x square minus 1 plus half f 1 minus x square and f dash x is an increasing function, then gx is increasing in the interval. Now, तो हमको gx दे रखा है और f dash x हमको increasing बोला है, we are given that f dash x is इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, तो अगर एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं, इस इंक्रीजिंग फंक्शन की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, कि अगर एक्स वन इज लेस देन एक्स टू तो फिर एफ एक्स वन विल बी लेस देन एफ एक्स टू। अब अगर हम अपने केस में बात करें एफ डैश एक्स की, तो क्या हो जाएगा, इफ एक्स वन इज लेस देन एक्स टू देन एफ डैश एक्स वन शुड बी लेस देन एफ डैश एक्स टू। तो इंक्रीजिंग फंक्शन में जो इनपुट का इनइक्वालिटी का ऑर्डर होता है वही आउटपुट के इनइक्वालिटी का ऑर्डर होता है। नाउ
gx का इंक्रीजिंग इंटरवल निकालना है तो gx को डिफरेंशिएट करें, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, व्हाट डू यू गेट, 1/4, सबसे पहले एक्सटर्नल फंक्शन f है तो f' ऑफ 2x² - 1, देन वी मूव इनसाइड, तो 2x² - 1 का क्या होगा, 2x² का हो गया 4x और 1 का 0 प्लस हाफ, बाहर है f फंक्शन यानी f' ऑफ 1 - x², एंड देन वी मूव इनसाइड, तो 1 का 0 और -x² का -2x, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया एंड 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो व्हाट डू वी गेट, f, दिस इज इक्वल टू f डैश 2x² - 1 इंटू x माइनस x टाइम्स f डैश 1 - x², x कॉमन हो गया, f डैश 2x² - 1 माइनस f डैश 1 - x² इज g डैश x. नाउ हमारे g डैश x को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा फॉर इट टू बी, फॉर gx टू बी इंक्रीजिंग. नाउ अब g डैश x को अगर इंक्रीजिंग होना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो g डैश x अगर हमें पॉजिटिव करना है और दो चीजों का ये प्रोडक्ट दिया है तो ऑप्शंस क्या है, x की वैल्यू पॉजिटिव हो और ये जो ब्रैकेट में टर्म है ये भी पॉजिटिव हो तो दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव हो जाएगा. सेकेंड ऑप्शन इज x की वैल्यू नेगेटिव हो और जो ब्रैकेट में टर्म है उसकी भी वैल्यू क्या हो, नेगेटिव हो. दीज आर द टू ऑप्शंस. तो लेट्स टेक द फर्स्ट केस, की केस वन x पॉजिटिव है यानी x इज ग्रेटर देन 0 और f डैश 2x² - 1 माइनस f डैश 1 - x² की वैल्यू क्या हो, पॉजिटिव हो, विच इंप्लाइज f डैश 2x² - 1 शुड बी ग्रेटर देन f डैश 1 - x², लेकिन f डैश x फंक्शन तो हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है तो जो ऑर्डर इनइक्वालिटी का आउटपुट में रहता है वो इनपुट में रहता है, तो अगर ये आउटपुट में ही ऑर्डर है तो इनपुट क्या है, 2x² - 1 शुड बी ग्रेटर देन 1 - x², क्योंकि f डैश x क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है. इसको सिंप्लीफाई करें तो 3x² इज ग्रेटर देन 2 विच इंप्लाइज 3x² - 2 इज ग्रेटर देन 0 विच इज √3x - √2 एंड √3x + √2 शुड बी ग्रेटर देन 0 और इसका मतलब ये हुआ कि x शुड बी आइदर ग्रेटर देन 2/√3 और rather 2/√3 और x शुड बी लेस देन माइनस ऑफ √2/3 एंड x क्या हो, ग्रेटर देन 0 तो हो ही, तो कंबाइनिंग ऑल द 3 conditions देखें कौन सा हमें इंटरसेक्शन मिलता है इनका, दिस इज 0, दिस इज -√2/3 एंड दिस इज +√2/3. तो फर्स्ट कंडीशन है कि x शुड बी ग्रेटर देन 0, द सेकंड इज या तो x √2/3 से बड़ा हो या -√2/3 से छोटा हो. तो हमारा कंडीशन कहां मीट हो रही है, ये कंडीशन तो होल्ड करनी ही चाहिए, तो यानी ये सॉल्यूशन हमारा हो गया, तो x शुड बी ग्रेटर देन √2/3, दिस इज वन ऑफ योर सॉल्यूशंस. नाउ द सेकंड ऑप्शन इज केस 2 कि x क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए और f डैश 2x² - 1 माइनस f डैश 1 - x² भी नेगेटिव हो जाए, विच इंप्लाइज f डैश 2x² - 1 शुड बी लेस देन f डैश 1 - x². इन दैट केस क्योंकि f डैश x इंक्रीजिंग फंक्शन है तो जो आउटपुट का इनइक्वालिटी का ऑर्डर होगा वो इनपुट का रहेगा, तो 2x² - 1 शुड बी लेस देन 1 - x². इन दिस केस 3x² - 2 इज लेस देन 0 विच इंप्लाइज √3x - √2 इंटू √3x + √2 शुड बी लेस देन 0, तो इसका मतलब इस बार तो x कहां रहेगा, -√2/3 और +√2/3 के बीच में, एंड x को क्या होना है, लेस देन 0 होना है, तो दोनों कंडीशंस मीट होनी चाहिए. तो लेट्स ड्रॉ द नंबर लाइन, तो ये 0 हो गया, ये -√2/3, ये +√2/3, तो ये कह रहा है कि x शुड बी लेस देन 0 और सेकंड कंडीशन कह रही है कि -√2/3 से +√2/3 रहे, तो कॉमन सॉल्यूशन कहां आया, यहां आया, तो देयरफॉर x शुड लाई बिटवीन -√2/3, x शुड बी लेस देन 0. ठीक है, तो फिर हमारा
एक सॉल्यूशन तो यहां से आया था और एक सॉल्यूशन यहां से आया, तो कंबाइनिंग बोथ तो हम क्या कह सकते हैं, या तो हम माइनस रूट टू बाय थ्री और जीरो के बीच में रहे एक्स, या फिर रूट टू बाय थ्री से इंफिनिटी में एक्स रहे, तो हमारा फंक्शन क्या होगा, व्हाट डू वी वांट, इंक्रीजिंग रहेगा। तो लेट्स सी व्हाट हमारा सॉल्यूशन है, देखो बी इज द आंसर, माइनस रूट टू बाय थ्री टू जीरो एंड रूट टू बाय थ्री टू इंफिनिटी, दिस इज अवर आंसर। नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन दैट इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस फोर एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा एक्स प्लस वन इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ एक्स इन द लार्जेस्ट पॉसिबल इंटरवल माइनस टू कॉमा माइनस टू बाय थ्री देन लैम्डा इज, अब इसका मतलब क्या हुआ, ये कह रहा है कि जो एफ एक्स फंक्शन है ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन है इन द लार्जेस्ट पॉसिबल इंटरवल माइनस टू से, दैट इज माइनस टू से माइनस टू बाय थ्री की रेंज में, जब एक्स की वैल्यू इस रेंज में होगी तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। अगर ये डिक्रीजिंग फंक्शन है इस इंटरवल में तो इसका मतलब एफ डैश एक्स की वैल्यू इज लेस देन और इक्वल टू जीरो इस इंटरवल में। अगर एफ एक्स को डिक्रीजिंग होना है इस इंटरवल में तो यानी एफ डैश एक्स की वैल्यू इस इंटरवल में क्या हो, लेस देन इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब एफ डैश एक्स वैसे है क्या, डिफ्रेंशिएट करके निकाले थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स रादर प्लस एट एक्स प्लस लैम्डा, दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू जीरो। नाउ दिस इज अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन और जिसमें ए क्या है थ्री विच इज ग्रेटर देन जीरो, यानी ये क्या होगा अपवर्ड पैराबोला। तो हम ये कह रहे हैं कि x की वैल्यू जब माइनस टू से माइनस टू बाय थ्री के बीच में होगी तो ये एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए, नेगेटिव आउटपुट्स देने चाहिए इसको। तो इसका मतलब अगर हम इस सिचुएशन को क्रिएट करें तो क्या होगा, तो लेट से ये माइनस टू है ये माइनस टू बाय थ्री है, तो इस इंटरवल में मतलब जब x की वैल्यू माइनस टू से माइनस टू बाय थ्री ये लार्जेस्ट पॉसिबल इंटरवल है जिसमें ये नेगेटिव रहता है, तो एक सिचुएशन तो ये हो सकती है कि ऐसे हो एंड दूसरा ऑप्शन क्या है, कि ये माइनस टू है ये माइनस टू बाय थ्री है और आपका ग्राफ इन पॉइंट से निकले। क्यों, क्योंकि अगर इसने कहा लार्जेस्ट पॉसिबल इंटरवल ये है जिसमें ये नेगेटिव रहेगा, अगर ये सिचुएशन होगी तो माइनस टू से माइनस टू बाय थ्री तो नेगेटिव होगा, ये सब नेगेटिव आउटपुट्स मिल रहे हैं, लेकिन इस इंटरवल ये जो एक्स्ट्रा इंटरवल आ गया है ये इस पे भी क्या मिल रहा है, नेगेटिव इनपुट्स मिल रहे हैं, तो यानी यहां पर भी एफ डैश एक्स नेगेटिव हो जाएगा, यानी एफ एक्स डिक्रीजिंग कहां हो जाएगा, इस इंटरवल में ही हो जाएगा, मतलब ये जो भी पॉइंट आएगा ये पॉइंट और ये पॉइंट, तो फ्रॉम माइनस टू बाय थ्री टू लेट से दिस पॉइंट इज ए और ये है बी, तो माइनस बी से लेके माइनस टू ये एक्स्ट्रा इंटरवल आ गया और ये कह रहा है ये लार्जेस्ट पॉसिबल इंटरवल है जिसमें ये नेगेटिव है, मतलब ये सिचुएशन नहीं हो सकती, तो फिर कौन सी सिचुएशन होगी, ये होगी कि मतलब हमारा कर्व क्या करे, ये जो थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स प्लस लैम्डा है दैट शुड पास थ्रू माइनस टू एंड माइनस टू बाय थ्री एग्जैक्टली, फिर अब हमारा क्या होगा, ये इंटरवल होगा जिसमें हमारा आउटपुट क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, मतलब 3x square plus 8x plus lambda की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो इसका मतलब फिर ये हुआ कि माइनस टू एंड माइनस टू बाई थ्री क्या हो गए, रूट्स हो गए ऑफ 3x square plus 8x plus lambda के, तो इसका मतलब रूट्स हो गए, तो फिर तो हमारे लिए बहुत आसान हो गया, सम ऑफ रूट्स भी हम निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी निकाल सकते हैं, लैम्डा आपको सी की जगह दिया तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू सी बाय ए, दिस इज सी दिस इज ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है माइनस टू इंटू माइनस टू बाई थ्री, तो थ्री से थ्री कैंसिल हो गया तो लैम्डा कम्स आउट टू बी फोर, देयरफॉर द करेक्ट वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन इज फोर।